लेकिन ये समझ में आ गया था हॉस्टल में आते थे कि अपना कुछ करना है, नौकरी नहीं करनी। okay. तो कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, कभी कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं की, ये था कि कुछ अपना करना है। हमारा मानना है कि आज भी इंडस्ट्री हिंदुस्तान के लिए जो सबसे अच्छी है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बेस्ड निकलती है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड निकलती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस, कई बार ऐसा होता है हम लोग से वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, मतलब यहाँ पे दिख रहा जो शाइनी दिख रहा है, यहाँ पे पैसा दिख रहा है चलो उसके अंदर घुस जाते हैं, वहां पे पैसा दिख रहा है उसमें घुस जाते हैं, बट वो लोग ये नहीं सोचते कि यार उनको क्या पसंद है, वो किस चीज में वैल्यू एड कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो नीड ऑफ द आरबी है। तो आज की डेट में हम सबसे बड़ी कंज्यूमर इंडस्ट्री है जो है वो 135 करोड़ लोगों का देश है, तो कुछ भी बनाएंगे तो अगर अच्छा बनाएंगे और अच्छे ही ढंग से पैकेजिंग करेंगे और अच्छा क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो बिकेगा तो जरूर। राइट। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबीसी। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से, जो वैसे तो बाय प्रोफेशन एक सीए है, बट उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें की है। उनका नाम है मुकेश शुक्ला जी, जो फाउंडर है एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी के, चेयरमैन है आईआईडी के जो है बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये प्रेसिडेंट भी है समाधान ग्रुप के। समाधान एक्चुअली में एक प्रेस्टीज नेम है जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, जो एसोसिएट भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सर की टीम में 300 से ज्यादा एम्प्लॉइज है और इनके पास 1500 से भी ज्यादा एसोसिएट एक्सपर्ट्स है जो सब मिलकर आईआईडी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हमने कई सारी इंटरेस्टिंग बातें इस पॉडकास्ट में की है, जिससे आपको काफी सारी चीजें सीखने मिलेंगी, तो एंड तक जरूर देखना, मजा आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हेलो, वेलकम बैक टू डीबीसी। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स है जिनका नाम है मुकेश शुक्ला जी, उनसे ही आज काफी सारे इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डीबीसी, आपका स्वागत है यहाँ पे। थैंक यू जिसान। मैं सर, आप स्टार्ट के लिए मैं यही चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपनी स्टोरी बता दीजिए सर। हमारा एक सेगमेंट जो होता है ना स्टार्ट यूजुअली, तो वो हम ऐसे ही करते हैं कि हम इंसान की स्टोरी से पहले चालू करते हैं, ताकि लोग जो भी यंग लोग देख रहे हैं वो लोग कई बार कनेक्ट भी कर पाते हैं, वो लोग इंस्पायर भी हो पाते हैं और स्टोरीज कई बार दिमाग में छपके रह जाती है तो जिंदगी भर याद रह जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्टोरी से ही स्टार्ट करो, आप बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया था और आप आज क्या क्या कर रहे हो। मैं मुकेश शुक्ला, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं बाय प्रोफेशन। हम लोगों ने जैसे कि किसी भी सीए का एक नॉर्मल प्रोफेशन होता है, ऑडिट जो है वो, प्रोजेक्ट फंडिंग और ज़्यादातर कंसल्टेंसी बेस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लेकिन जब आगे बढ़ते गए तो ये ज़रूरत महसूस हुई कि आज की डेट में जो है वो लोग जो इंडस्ट्री से हम इंटरेक्ट करते थे, उनको सर्विसेज देते थे, वहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप था कि जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनके पास कोई इकोसिस्टम नहीं है। तो हमने कोशिश की कि ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें जो हर इंडस्ट्री को लगाने वाले को एक ऐसी सपोर्ट सिस्टम मिले जो उसको एंड टू एंड सोल्यूशन मिले, और उसी के लिए हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि ये जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कहीं पढ़ाई नहीं जाती, कहीं बताई नहीं जाती, और ज़्यादातर वही लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं जिनकी फैमिलीज उस बिज़नेस में पहले से रही हैं, और जो और लोग आते हैं वो देख के या चोरी करके या आइडियाज़ को लेके किसी दूसरे को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं। तो इस फेलियर को कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ाना है, ये हमारा विज़न था, और उसी के लिए हमने अपने जो मेन प्रोफेशन के साथ साथ हमने इसको स्टार्ट किया। तो और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, नए नए आइडियाज़ जुड़ते गए, नई नई टेक्नोलॉजीज जुड़ती गई, आज हमारी रीच जो है वो बहुत लोगों तक पहुंच गई है, और अभी आगे और क्योंकि ये ज़रूरत है समय की तो आगे बहुत सारी चीज़ें और आने वाली हैं। ओके। और तो सर, आपकी स्टार्टिंग इनिशियल फेज कैसा था, स्टार्टिंग लाइफ में मतलब आपने स्कूल कॉलेज की वो टाइम की कुछ यादें, मतलब स्टार्ट किए थे तो मतलब विजन क्या था, मतलब बचपन में तो यूजुअली कई बार जैसा होता है, मैं स्टार्टिंग में जब मैं छोटा था, मुझे याद है मैं जब छोटा था मुझे पायलट बनना था, फिर विजन चेंज हो गया, सोसाइटी ने बोली कि भाई इंजीनियरिंग कर लो, तो मैंने इंजीनियरिंग में घुस गया, और उसके बाद धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार इंजीनियर तो मुझे कभी बनना ही नहीं था, और फिर मैंने ये सब चीज़ें चालू की। तो ऐसी आपकी भी कुछ स्टोरी है, जैसे आपने पहले से आपका विजन इससे रिलेटेड ही था या पहले आपका विजन कुछ और था और फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ और विजन चेंज हुआ? नहीं, जैसे हम लोग उन सालों में हमने अपने कैरियर की शुरुआत की जब आज की तरह गूगल नहीं हुआ करता था, आज की तरह इतनी अवेयरनेस नहीं हुआ करती थी, इतने कैरियर के बारे में छोटे से शहर सीतापुर जो लखनऊ के पास ही है वहाँ से स्टार्ट किया। तो जब लखनऊ यूनिवर्सिटी आए तो विज़न खुला कि यहाँ कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसी भी चीज़ होती है। फिर यहाँ पर अपने सीनियर्स को हॉस्टल में देखने के बाद उसको हमने परसुएशन करना शुरू किया, लेकिन ये समझ में आ गया था हॉस्टल में आते थे कि अपना कुछ करना है, नौकरी नहीं करनी। okay. तो कभी कोई एग्जाम नहीं दिया, कभी कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं की, ये था कि कुछ अपना करना है, इसके इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस करते हैं। राइट। तो वो विजन तो शुरू से था कुछ अपना करना है। राइट। पर जब इस प्रोफेशन में आया तो ये लगा कि अब लोगों को ऐसा कराना है
क्योंकि हम वही सोसाइटी को दे सकते हैं जो आपके पास है. Right, exactly. हमारे पास तो यही था कि हमने जो इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कराया था, जहाँ कंसल्टेंसी दी थी, जिन इंडस्ट्रीज के लिए काम किया था, जो इंडस्ट्रीज देखी थी, उसको एक ऐसे अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता. तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए कंसल्टेंट का, सप्लायर्स का, जो गवर्नमेंट स्कीम्स के लोगों का, इंस्टीट्यूशंस का, जो सारे लोग अपने को जो है वो बाकी बाहर जो नया एक पर्सन आ रहा है, जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, जो एक नए डोमेन में कदम रख रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए सारे लोग आगे बढ़ जाए. Right. तो ऐसा कोई विजन शुरू से नहीं था कि हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, पर ये जरूर था कि कुछ अपना करेंगे. Right. तो वही अपना करते करते लोगों को इस लायक बनाने की कोशिश करने लगे कि वो भी जो है वो मतलब जॉब सीकर ना रहे हैं, जॉब प्रोवाइडर बने. राइट राइट. ये विजन, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. मैं सर, मैं भी ये चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ. मुझे भी एक चीज़ थी, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तभी मुझे रियलाइज़ हो गया था, क्योंकि मेरे सीनियर्स थे जो लोग जॉब करते थे, और लोग बताते थे कि वो लोग को जॉब में कितनी प्रॉब्लम्स होती है. मतलब उनको ना अपना जॉब पसंद था, ना काम करना पसंद था, बट स्टिल दे वर डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी. तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी, यार ये रैट रेस में मुझे नहीं फंसना है, मुझे अपना खुद का कुछ करना है. क्योंकि एक सेंस ऑफ फ्रीडम रहती है ना, वो चीज़ आई थिंक सबसे ज़्यादा जिंदगी में मोटिवेट करती है. इसके ऊपर कई सारी बुक्स भी लिखी गई है कि वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न हम लोग है ना बहुत जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि लोग बहुत बंधे हुए रहते हैं. उन्हें हर चीज़ बस बोला जाता है ये 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 चीज़ करनी है, इसलिए लोग कभी बड़ा सोच नहीं पाते और फिर बड़ी चीज़ें कर भी नहीं पाते. तो सर, ये जितना आपका एक्सपीरियंस था उसमें आपने नोटिस किया होगा कि यार इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बड़ी गलतियां जो अभी लोग करते हैं, मतलब चालू करते हैं, अगर बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो लोग की सबसे बड़ी बड़ी गलतियां, कुछ मोटी मोटी गलतियां आपको क्या नज़र आती है? नहीं, सबसे पहले तो एक जो है वो जैसे कहते हैं ना भेड़ चाल, एक हमारे साथ बहुत लोगों की ये है कि लोग इंडस्ट्री वो लगाने की कोशिश करते हैं जो और लोग लगा रहे हैं. राइट. वो स्टडी नहीं करते. मतलब अगर स्कूल्स खोलने शुरू हुए तो एक शहर में स्कूल्स ही खोलेंगे. जब इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने शुरू हुए तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलेंगे. किसी को होटल बनाने शुरू हुए तो हर इंडस्ट्री जो है वो आपको लगेगा हर तीसरा आदमी नया होटल के साथ आ रहा है. लेकिन शायद वो जो है वो उस शहर को, उस एनवायरमेंट को, वहाँ के लोगों को, या उसको ये ज़रूरत जो है वो आइडेंटिफाई करने में शायद प्रॉब्लम होती है कि वो क्या है, नीड ऑफ दी आवर क्या है, आज की डेट में ट्रेंडिंग क्या है, आज क्या मैं करूँ, क्या प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढूँ जिससे वो जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे से अलग दिखे वो. राइट. तो जो फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम दूसरे को देख के बिजनेस करते हैं. राइट. हम खुद अपनी रिसर्च नहीं करते, हम खुद प्रॉब्लम नहीं ढूंढते कि कैसे इन प्रॉब्लम्स का हम सलूशन लाएं. ये प्रॉब्लम जो है वो मेरे को लगता है कि अगर हम सबसे ज़रूरी है कि हम सही टाइम पे सही बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करके और उसका रेजोल्यूशन ढूंढेंगे, थोड़ा क्रिएटिव ढंग से ढूंढेंगे, कुछ अलग ढंग से ढूंढेंगे, तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे. राइट. तो सर, अभी के हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सी इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए लोगों को, अगर इसमें मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आपको लगता है कि ये इंडस्ट्रीज है जिसमें तो लाइक अगर उनको बहुत ज़्यादा घुसना चाहिए, ये अच्छा नीड ऑफ द आवर जैसे आपने बताया? नहीं, जैसे अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, हिंदुस्तान जो है वो गांव में बसता है, और गांव का मतलब ही ये है कि जो है वो हम एग्रीकल्चर बेस्ड जो है वो इंडस्ट्रीज को बहुत जो है वो हम लोग क्लोजली देखते हैं. तो एग्रीकल्चर के साथ ही बिल्कुल एडजॉइंट इंडस्ट्री जिसको कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का एक पूरक है, जिसको हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं. Okay. फिर हम उसी से आगे बढ़ते हैं तो उसी फूड प्रोसेसिंग से निकला हुआ जो है वो बहुत सारा ऐसा वेस्ट है जिससे आज की डेट में हम वेस्ट मैनेजमेंट या एथेनॉल बेस्ड इंडस्ट्रीज या ऐसी चीज़ें हम लगा सकते हैं. Okay. तो ये धीरे धीरे उसी की बात करें तो ये सारा जो है वो टाइम है. लेकिन अगर हम आज यंग जनरेशन की बात करें तो हम जो भी प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जो प्रॉब्लम सामने दिख रही है, उसको टेक्नोलॉजिकल ढंग से हम उसका रेजोल्यूशन ढूंढते हैं, तो स्टार्टअप बहुत अच्छा आइडिया है. अगर हम उन्हीं को रेजोल्यूशन ढूंढ के बात करते हैं कि हम उसको कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे उसको स्केलेबल बना सकते हैं, तो ऐसे बिजनेस मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्टअप एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है जहाँ पे हम जा सकते हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं. ये जरूरत है कि आपके पास क्या है, आपको ये देखना चाहिए आपके पास नॉलेज किस सेक्टर की है, आपके पास क्या जो है वो एड ऑन चीजें हैं जो आपको एक उस इंडस्ट्री में एज देती हैं. हो सकता है वो आपके पास लैंड हो सकता है वो आपके पास कोई स्पेस हो सकता है कि आपके पास वो नॉलेज हो सकता है आपके पास कोई ऐसी चीज का सपोर्ट सिस्टम हो. तो बिजनेस का कोई ऐसा एक रेडीमेड आइडिया नहीं होता कि यही चलेगा. Right, पर चलेगा वही जो आपके इंटरेस्ट का होगा, जो इस पे आपका कुछ ना कुछ दूसरे से एज होगा. ये Right. मैं ये जानता हूँ. अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा है तो अच्छा स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक टेक्नोलॉजी के फील्ड की एक नॉलेज है. Right. अगर आपने कहीं जॉब किया हुआ है मान लिया, और उसी जॉब से आपने 10 साल का एक्सपीरियंस रखा है, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री जानेंगे तो जरूरत है. लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करेंगे तो हमारा मानना है कि आज भी इंडस्ट्री हिंदुस्तान के लिए जो सबसे अच्छी है
वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बेस्ड निकलती हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड निकलती हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट। ओके सर, ये तो एकदम सही बात है सर। ये सब मैं भी नोटिस करता हूँ, मतलब मैं भी अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ ये सब चीज़ें, सेम चीज़ें मैं भी ये भी बताता हूँ कि यार कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग से वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रम, मतलब यहाँ पे दिख रहा जो शाइनी दिख रहा है, यहाँ पे पैसा दिख रहा है, चलो उसके अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पे पैसा दिख रहा है उसमें घुस जाते हैं, बट वो लोग ये नहीं सोचते कि यार उनको क्या पसंद है, वो किस चीज़ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो नीड ऑफ द आर भी है कि आज ज़रूरत है। तो एग्रीकल्चर में मेरे हिसाब से बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ सर जिसके अंदर है ना ऐसा दिखाते कि लोग कई बार लोग सिंगापुर से बड़ी बड़ी लाखों रुपए की जॉब छोड़ के आके यहाँ पे आज वापस से खेती कर रहे हैं इंडिया में, और वो लोग अच्छा खासा करोड़ों में फिर रेवेन्यू भी जनरेट कर पा रहे हैं। मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी आज इंडिया में ही है, बट स्टिल हम लोग आजकल बाहर जाने का बहुत ज़्यादा सपने रखते ये करते हैं। तो इससे रिलेटेड भी आपका कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आपका, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में किसी आपने कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर देखा है जो अच्छा कर रहा है, जिससे लोग मतलब इंस्पायर हो सकते हैं या देख सकते हैं, ऐसा कुछ स्टोरी है आपके पास? नहीं, बहुत सारी हैं। हमने बहुत सारे जो है वो पॉली हाउसेस लगवाए हैं जहाँ पे आज की डेट में वो लोग अलग अलग एक ये जिसको कहते हैं कंट्रोल एटमॉस्फेयर में डेवलप करके, और बहुत सारी नॉन सीजनल जो है वो क्रॉप्स को जो है वो लाखों रुपये उसमें कमा रहे हैं, जिन्होंने 20,000 स्क्वायर फिट का लगाया हुआ था, आज एकड़ों में उनके पास पॉली हाउसेज हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जो है वो एग्रीकल्चर में लोगों ने जो है वो फ्लावर की खेती करना शुरू की, तो पता नहीं एक एकड़ में जो नॉर्मल क्रॉप होती है वो साल भर में आप 30,000-40,000 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन वो एक 3-3 लाख रुपये उस क्रॉप से कमा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है वो हमारे पास जो हमारा पोर्टल है उसमें 2500 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो वो अलग अलग इंडस्ट्रीज की हैं, ऐसा हम कुछ भी नहीं कि एग्रीकल्चर से ही हैं। बहुत लोग पैकेज फूड पे काम कर रहे हैं, जो आज की डेट में हम रेडी टू ईट है उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे अनलिमिटेड मशरूम पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो मशरूम पे लोग मशरूम की जो है वो कल्टीवेशन करके और उसको केनिंग करके बेच रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चैन, सी कोल्ड स्टोरेज, इस पे काम कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको जिसकी नॉलेज हो वो आप चूज करिए। तो आज की डेट में हम सबसे बड़ी कंज्यूमर इंडस्ट्री हैं, एक जो है वो 135 करोड़ लोगों का देश है। तो कुछ भी बनाएंगे तो अगर अच्छा बनाएंगे और अच्छे ही ढंग से पैकेजिंग करेंगे और अच्छा क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो बिकेगा तो जरूर। राइट। और फिर भी लेकिन अगर एकदम एक सप्लाई और डिमांड का भी होता है थोड़ा सा, कि आपको क्या लगता है कि कौन सी अभी भी अंडर ज़्यादा नहीं लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग ही कर रहे हैं लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, जैसे कि आपने बताया एक मशरूम का, लोग मशरूम कर रहे हैं, वैसे टाइप के और कुछ ऐसे इंडस्ट्री जैसे लग रहा है कि यहाँ पे ना और एंटरप्रेन्योर्स आना चाहिए बट अभी एंटरप्रेन्योर्स है नहीं, तो एग्रीकल्चर तो एक है ऐसी, और उसमें थोड़ा डिटेल में और कुछ है जैसे कि ये खेती करना चाहिए तो ये चीज़ कर सकते हो? जैसे ट्रेंडिंग में हम बात करें, आज एथेनॉल पर बहुत बात हो रही है। एथेनॉल, ओके। जैसे हमारी गवर्नमेंट है उसने, आप सब जानते ही हो कि हम सबसे ज्यादा पैसा जो है वो दुनिया को पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने के लिए ही देते हैं, इतना जो है वो फॉरेन करेंसी देश से बाहर जाता है। तो अब एथेनॉल की ब्लेंडिंग गवर्नमेंट ने अलाउ की है, जो अभी 10% है, आगे जाके 20% तक ब्लेंडिंग अलाउ होगी, जिसका जितनी भी हमारी ऑयल कंपनीज हैं वो ओपन टेंडर्स करती हैं, मतलब उसमें सिर्फ आपको उनका रेट फिक्स है, आपको सिर्फ अपनी क्वांटिटी डिसाइड करनी है और सप्लाई करना है। तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज की डेट में ईवी चार्जिंग आप देख रहे हैं कितने सारे व्हीकल्स जो हैं वो सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जा रहे हैं, जिसमें आपको ईवी के लिए स्टेशन बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। आज कितना ड्रोन टेक्नोलॉजी में कितना काम हो रहा है कि हर चीज में जो है वो ड्रोन का यूज़ हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो नॉर्मल सप्लाई हो, चाहे डिफेंस हो। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें, सोलर है, आप ही सोच रहे हैं कि आप 7 रुपये से 11 रुपये तक बिजली है जो सोलर में आज 2-3 रुपये में बन के चली आ रही है, तो आप ही सोचिए कितना गैप है इन सब में, और ये श्योर शॉट बिजनेसेस हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये जरूरी है कि आप क्या देखते हो और क्या आप एज रखते हो दूसरे से, राइट, ये दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो आप अपने को जो है वो बिल्कुल ढाल सकते हैं, पर बहुत सारे लोगों को भागदौड़ नहीं पसंद होती, उनको दुकान ही खोलनी होती है, सुबह एक शटर उठाए, शाम को शटर गिराए, तो ये आपके इंटरेस्ट पे होता है। बहुत सारे लोगों को यही होता है कि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन करें, बैठ के करें, सिस्टम पे करें और पूरी एक कमरे से पूरी दुनिया को हिला दें, तो आपका इंटरेस्ट बहुत माने रहा। राइट। और टेक्नोलॉजी भी सर बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है, राइट? टेक्नोलॉजी आज हम देख रहे हैं पूरा सब चीज डिजिटल होते जा रही है, तो ये डिजिटल वर्ल्ड आप बोल सकते हो उसने कितना आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में कितना इंपैक्ट कर रहा है, और डिजिटली लोगों को ग्रो होने में कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती है? नहीं, सिंगल क्लिक पर दुनिया अवेलेबल है, तो डिजिटल के बगैर तो सोचना ही असंभव है। मतलब अगर आप आज की डेट में ये बात करते हैं कि आप जो है वो बगैर डिजिटल के आगे बढ़ सकते हैं,
तो आप बिजनेस को जो है वो बताए ना, दुकानों तक सीमित नहीं रह गया है, दुकान को दुनिया तक पहुंचाना है, तो गांव से ग्लोब तक पहुंचना है और बिजनेस को स्केलेबल करना है, तो कहीं भी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के यूज किए बगैर जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो कोई भी बिजनेस वो सिलेक्ट करना चाहिए जिसको स्केल कर सके, राइट, और जिसको स्केल करने के लिए आपको सबसे कम समय में कम पैसे से और बहुत दूर तक पहुंचना है, तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना मतलब मैंडेटरी है। जैसे मोबाइल हमारे लिए अब जो है वो नेसेसिटी हो गया है, मतलब वो आपकी कोई ऐसा आर्टिकल नहीं रह गया जिसको आपको बहुत ज्यादा यूज करना है, मतलब करना है कि नहीं करना है, नेसेसिटी है। ऐसे डिजिटल दुनिया अब नेसेसिटी है आपकी, राइट, अगर आप बिजनेस में हैं तो, राइट। अगर ये स्टूडेंट, ज्यादातर मेरे जो हमारे व्यूवर्स होते हैं ना, वो कई बार स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या सजेशन है कि यार वो लोग को पूरा पहले एकदम फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे ही, या फिर वो लोग को साथ में ये भी क्वेश्चन रहता है कई बार मेरे को पूछते हैं कि सर मैं क्या करूँ, मुझे पढ़ाई, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे स्टार्टअप करना है, क्या मैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मतलब पूरा ड्रॉप आउट ले लूँ और फिर एंटरप्रेन्योरशिप में घुस जाऊँ, क्या इससे इसके क्वेश्चन पे आप क्या आंसर करोगे लोगों को? स्टूडेंट लिए तो सिर्फ मैं बहुत जो है वो पुरानी बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा गुरुकुल हुआ करता था, वहाँ पे जो स्टूडेंट हुआ करते थे ना, जिनको जो वो पूरा गुरुकुल संभालते थे, वो पूरे इंडस्ट्री को जीते थे, वो एनवायरनमेंट बनाते थे और उसमें पढ़ते थे। आज हमने किताबी ज्ञान को, सर्टिफिकेट को और अपने मास को ही अपना जो है वो डोमेन मान लिया है, इससे कुछ भी नहीं हासिल होगा, राइट। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो बाहर की दुनिया से जुड़े रहे, अपने सब्जेक्ट से ज्यादा उसके जो है वो एप्लीकेशन से जुड़े, ये अप्लाई कहाँ होता है, जितना आप पढ़ते हैं उससे ज्यादा एक्सटर्नल स्किलिंग पे आप अपने को ध्यान दें, right। और जब आप ये ध्यान देना शुरू करेंगे तो ना केवल अपने जॉब में आप जो है वो एक्स्ट्रा परफॉर्म करेंगे, आप सबसे पहले आप ये देखेंगे हम दूसरे के लिए क्यों काम कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने, क्योंकि स्किल नहीं होती है ना तो हम मार्कशीट के पीछे छिपते हैं, right। और मार्कशीट के पीछे छिप के आपकी नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन नौकरी जो है वो आपको सेटिस्फेक्शन देगी ये जरूरी नहीं है, right। कभी कभी आप अगर आप ओवर पेड हो गए तो भी आपको एम्प्लॉयमेंट में अपने को सक्सेस करना पड़ेगा, और अगर अंडर पेड पेन है तो भी आप हमेशा जो है वो अपने से सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे, पर स्किल्ड है अगर आप तो आप जो है वो नौकरी आपके लिए जो है वो अल्टरनेट हो सकती है, पर वो जो है वो सब कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि आपको दुनिया आपके लिए ओपन है। तो पहले अपने आप को स्किल करिए और उस स्किल को जो है वो या तो इंडस्ट्री रेडी होने में यूज़ करिए, और इंडस्ट्री रेडी दोनों जगह है, अगर आप जॉब करते हैं तो भी जो है वो मैं यही कहता हूँ स्टूडेंट से कि तीन ही ऑप्शन कैरियर है, okay। कि आप पढ़ाई लिखाई करें और उसके बाद आप कोई जॉब ऑप्ट कर लें, या आप जो है कुछ दिन जॉब करें और फिर एंटरप्रेन्योर बने, और डायरेक्ट आप जो है वो स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं होता। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी नहीं देखा जिसने एंटरप्रेन्योरशिप मन से की हो और उसके बाद आगे वो जॉब में आया हो, हाँ। तो ऐसा अगर एक बार आपने ये रास्ता ले लिया ना तो फिर यही रास्ता आप लेंगे, क्योंकि ये रास्ता आपको जो है वो आपको जनरेशंस के लिए है, आपको एक फ्रीडम देता है, okay। और फ्रीडम से बढ़ के कुछ भी नहीं है, राइट। अगर आप जो है वो एक जगह बंद कर दिए जाएं और आपको बहुत सारी चीजें फैसिलिटीज आपको सब कुछ मिल जाए तो दो दिन बाद, दस दिन बाद, बीस दिन के बाद आप ऊब जाएंगे उससे, राइट। और सेम मेरे को, मैं अपने को समझता हूँ कि जॉब में भी एक आपके पास ऐसा रहता है, कहीं ना कहीं लगता है आपको नहीं मैं खुल के नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, फ्रीडम नहीं रहती, एंटरप्रेन्योरशिप में तो आपकी पूरी फ्रीडम है, आपके लिए जो है मेहनत बहुत है पर वो रिवार्ड भी उसी तरीके से देती है, राइट। सर आप अभी सोशल मीडिया ये सारी चीजें भी यूज करते होंगे, राइट? हाँ मैं करता हूँ, और अभी बहुत सारे मतलब ऐसे मैं देखता हूँ आजकल यंग लोग भी है ना सोशल मीडिया पे, आप प्रोफेशन से सीए भी हो, तो आप प्रैक्टिस करते हो सीए का, मतलब की आप अलग ही कर रहे हो अभी? नहीं अभी तो मैं पूरी तरीके से इसी में डिवोटेड हूँ, जो मेरा मकसद है कि ये कोई छोटी चीज नहीं है, जब अगर आप इतना बड़ा विजन लेके चलते हैं तो आज हमने 24 सेक्टर्स जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, जिसमें सीमेंट भी है, जिसमें प्लास्टिक भी है, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी है, ऐसे 24 सेक्टर्स में 1500 इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन हम लोगों ने कर ली है, 1500 इंडस्ट्रीज के आपको इंड टू इंड सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा हम फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करते हैं, हम स्टार्टअप्स पे काम करते हैं, केवल स्टार्टअप आइडियाज नहीं देते हैं। फ्रेंचाइज सर किसका? फ्रेंचाइज गेटवे है हमारे पास, जिसमें हम लोग कोई भी, अगर मान लिया आपको रेडीमेड बिजनेस कहीं करना है तो हम आपको फ्रेंचाइज से कनेक्ट करा दें, उस फ्रेंचाइज में हम आपको सपोर्ट देते हैं कि आप किस शहर में कर रहे हैं, उस शहर के हिसाब से, उस लोकेशन के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपके बेस्ट फ्रेंचाइज मॉडल क्या हो सकता है। ऐसे स्टार्टअप में हम सपोर्ट करते हैं, आपको क्या आइडिया है आपका, उस आइडिया के लिए बिजनेस प्लान बना के देते हैं, पिच डेक बना के देते हैं, मार्केट स्ट्रेटजी बना के देते हैं, इवन मोबाइल ऐप, और अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ऐसा कि जिसमें हम आपके लिए पोर्टल बना के दें तो हम वो भी, हमारी पूरी आईटी टीम
इन हाउस है जो आपको सपोर्ट करती है। टोटल आपकी सर टीम में कितने टोटल कितने लोग हैं? अभी हमारी टीम में जो है वो 350+ लोग हैं। वेरी नाइस। जिसमें अलग अलग बेसिकली इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पूरे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग के लोग हैं और सबसे बड़ी आरएनडी टीम है जिसके पास, क्योंकि इतनी इंडस्ट्रीज में रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। और फिर प्रोडक्शन टीम है हमारे पास, करीब 14 स्टूडियोज हैं जिनमें हम लोग कंटेंट बनाते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो जहाँ पे लोग जाके इंडस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है ना, इसलिए था ना सर, आप देखते होंगे आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग फाइनेंस रिलेटेड कई सारी बातें बताते हैं और वो लोग खुद स्कूल या कॉलेज में रहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये था ना कि आप ऐसे कौन सी एडवाइसेस सुनते हो कई बार सोशल मीडिया पे जो टोटली गलत है? ऐसा कुछ एक दो एडवाइसेस है जो आपने शायद मे भी सुनी होगी, क्योंकि वो सब है ना आजकल मैं देख रहा हूँ ना, कोई भी कुछ भी बातें बता रहा है। आप ऐसा प्रोफेशनल, आपको आपके पास तो एक्सपीरियंस है, आपने पढ़ा भी है, आप सही चीज़ें बता सकते, तो कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत फैली हुई रहती है और उस पर भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं, लैक्स ऑफ लाइक्स होते हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन, तो ऐसी कुछ दो तीन गलत इन्फॉर्मेशन आपने सुनी है और आपको लगता है कि यार ये गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसे स्पेसिफिक तो मैं नहीं बता सकता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है कौन सी सही है, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च करना। आंख बंद करके विश्वास कभी किसी पे मत करिए। और ये तो जो भी एक व्हाट्सएप इंडस्ट्री और सोशल मीडिया का जो ये मतलब एक तरीके से इंडस्ट्री वो भी बन गई है जहाँ पे कुछ भी कोई भी चार लोगों को देखता है और उसके बाद जो है वो उसको बोल देता है। और उसमें उसको नहीं पता कि ये शायद जो है वो इन्फॉर्मेशन हर जगह से जो है वो ना वेरीफाइड है और ना ही शायद उसको उसकी नॉलेज एंड है। तो इसीलिए जो हमने टीम डेवलप की, हम एज ए सीए मुकेश शुक्ला का डोमेन फाइनेंसिंग हो सकता है, टैक्सेशन हो सकता है, मान लिया कुछ किसी इंडस्ट्रीज पे स्पेशलाइजेशन हो सकता है, पर हम 1500 इंडस्ट्री पे स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते। इसीलिए 6000 से ज्यादा हमने जो है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स को अपने पैनल में लिया हुआ है जो आपको नर्चर करते हैं, सपोर्ट करते हैं और डे बाई डे हम इसको बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, साथ में हम इंडस्ट्रीज में वीडियोस बनाते हैं, तो इंडस्ट्री में जाके वहाँ जो इंडस्ट्री रन कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है, उस एंटरप्रेन्योर से हम बात करते हैं तो उसकी जो है वो इनसाइट बताते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, जिसको कहा ना इकोसिस्टम डेवलप करना, ये 2 मिनट के 3 मिनट के वीडियो से कुछ भी नहीं होता। राइट, इन वीडियोस को सुन के, और क्योंकि कोई डेप्थ पे 2 घंटे नहीं बोल सकता, हम वेबिनार करते हैं तो कोई वेबिनार 3 घंटे से कम नहीं होती। Right. हम कोर्स डेवलप करते हैं, मान लिया हमने मशरूम पे कोर्स डेवलप किया, या हमने रोबोटिक पे डेवलप किया, या हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया, या किसी इंडस्ट्रियल उस पर डेवलप किया, वेस्ट मैनेजमेंट पे या किसी उस पर, तो वो 10 घंटे या 8 घंटे का कोर्स जो आपको अवेलेबल है वो इन डेप्थ नॉलेज देता है। राइट, वहाँ पे कोई जो है वो 2 मिनट में या 3 मिनट का एक वीडियो बना के उसमें लाइक तो बहुत पा सकता है, लेकिन वो आपके लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना वो शायद मतलब जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए है। राइट, तो जरूरी है कि इन डेप्थ नॉलेज के लिए जो है वो हम थोड़ा सा रिसर्च करें। Right. तो आपको अच्छा कंटेंट भी मिलता है। राइट, ये चीज़ें ना मैं सर सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत नोटिस करो ये, मतलब हम लोग सब है ना बहुत ज़्यादा ना ऊपर ऊपर की चीज़ों में फंस गए हैं। मतलब एक इंसान को मैं अगर बात करने जाऊँगा ना आज किसको भी, सबको है ना ऊपर ऊपर की 10,000 चीज़ों की नॉलेज रहेगी, बट इन डेप्थ किसी से भी बात करने जाओ तो आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगी कि उसको नॉलेज है ही नहीं उस चीज़ की। और इसलिए मैं भी ना अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ जो भी एक फील्ड पकड़ो उसके अंदर घुस जाओ और डीप में जाओ, तभी वो आपको ना लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिजल्ट भी देगा और आपकी अथॉरिटी भी अच्छी बनाएगा। तो सर अगर आप बच्चों को कुछ रिकमेंड करेंगे कोई स्किल्स, मेरे हिसाब से ना हर इंसान के अंदर थोड़ी स्किल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग सिर्फ नॉलेज लेते रहते हैं और अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते हैं। मतलब मेंटेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, उसके साथ साथ मेरे हिसाब से मेंटेलिटी और स्किल, ये दो चीज़ का मिक्सचर हो जाए तो एक बच्चा कुछ भी कर सकता है। चलो दोनों की बात करते हैं सर, मेंटेलिटी में आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी मेंटेलिटी होना चाहिए, कुछ ऐसा एक गलत मेंटेलिटी सही मेंटेलिटी ऐसा कुछ आपके पास है? मतलब ऐसी मेंटेलिटी मत रखो, ऐसी मेंटेलिटी रखो, ऐसा नहीं है। ये तो स्किल की जहाँ तक आपने बात की, तो मेरा मानना है हर आदमी को एक स्किल अपने में डेवलप करनी चाहिए। स्किल भी 2 तरीके की होती है, एक तो क्या होता है इनबिल्ट होती है, जिसको हम हॉबीज में कह सकते हैं। Right. वो किसी चीज में बहुत अच्छा होता है, भला उसने किसी और इंडस्ट्री की या किसी और डोमेन की पढ़ाई की है। दूसरी होती है जो उसकी डोमेन स्पेसिफिक होती है। अगर आप मान लिया जो है वो सीए कर रहे हो, तो हो सकता है आप जो है वो एक्सेल में बहुत बढ़िया करते हो, ये हो सकता है आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती हो सकता है आपको शेयर मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज हो। स्पेशलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना ऊपर ऊपर की नॉलेज, ये बहुत दिन काम नहीं आती। तो आपको दोनों तरीके से, एक तो इनबाउंड स्किल जो है आपके पास जो हॉबी से रिलेटेड है, उसको भी एक को डेवलप करना चाहिए, जिसको आप जो है वो प्रोफेशनल लेवल तक ले जाओ। और बहुत बड़ा कैरियर है आपकी, मान लिया आप कहते हो कि आपके पास बहुत अच्छी रीडिंग की हैबिट है, तो आप बहुत अच्छे ब्लॉगर्स हो सकते हो, बहुत सारे जो है वो आप
आप इनसाइट दूसरे को दे सकते हो। अगर आप पढ़ते हो तो आप अच्छा लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो, आप बात भी कर सकते हो और आपकी बात सही में लोग सुनेंगे। right. तो आप उसको इतने प्रोफेशनल लेवल पर डेवलप करिए कि एक आपके आर्टिकल को पढ़ने के लिए लोग वेट करें। सेम अगर आप किसी भी मान लिया इंजीनियर में आप, इलेक्ट्रॉनिक में हैं आप, लेकिन आपको ये लगता है कि हमने पढ़ तो बहुत अच्छा लिया है लेकिन पढ़ के नंबर आपके कितने आ गए ये माने मतलब मेरे लिए नहीं रखते या आपके लिए खुद के लिए भी नहीं रखते। लेकिन आप उस पर्टिकुलर उसमें क्या स्किल आपने डेवलप की, उसमें से एक स्किल को ऐसा बनाइए कि जो आपको लगे कि ये कभी भी आपकी ज़रूरत में जो है वो आपको आपके कैरियर के लिए एक जो है वो बैकबोन का वो करेंगी। अगर आपको जो है इंडिविजुअली भी कुछ कभी करना पड़े तो आप ये कर सकते। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको लगता है कि आपने ये जो विधा डेवलप करी तो आप एक सर्विस सेंटर को बहुत अच्छा रन कर सकते हो। आप जो है वो आप पूरे जो है वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के आप बिल्कुल मतलब उसमें भी मैकेनिकल में भी आपने ऑटोमोबाइल में जो है वो ऑटोमोबाइल में भी आपने टू व्हीलर पे पूरा स्पेशलाइजेशन कर रखा है, आपको सब कुछ पता है। लेकिन वो आपको ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आएगा और आपको स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। आपको अपनी एजुकेशन करते ही करते उस प्रोजेक्ट पे उस फील्ड पे उसकी एनालिसिस करनी है, उसकी रिसर्च करनी है, उसके बारे में समझना है, उसको पढ़ना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, जो है इंटर्नशिप करनी है, क्योंकि आपको लगता है कि ये स्किल ऐसी है मैं जो है वो जब भी इसमें बात होगी तो मैं जो है वो इसमें जो है वो किसी को भी कुछ भी समझा सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो ये दोनों बहुत जरूरी है। माइंडसेट तो हर किसी का जो है वो अच्छा बुरा हो सकता है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी माइंडसेट हो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जो पॉजिटिव होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सिर्फ जो है वो अपने आसपास के माहौल को खराब करते हैं। ऐसे लोगों से भी दूर रहें और ऐसी जो है मेंटेलिटी को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, हमेशा पॉजिटिव रहें। दिन जो है वो जिसने हाई स्कूल में फेल किया हो गया और जो है वो उसने भी जो है वो दुनिया में बहुत आगे गया, तो नंबर्स और मार्क्स कोई माने नहीं रखते, आपकी जो है वो भविष्य क्या है। और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका हर अगला दिन जो है वो बेहतर होगा। राइट, और ये चीज़ मैंने भी मतलब एक्सपीरियंस की है माइंडसेट, इसलिए मैंने बीच में वापस से पूछ लिया, क्योंकि कई बार है ना लोगों की ना ये सोच ही नहीं रहती कि नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। लोगों को लगता है नहीं मुझे बस जॉब मिल जाए, बस कोई ना कोई जॉब दे दे, बस गवर्नमेंट मुझे पैसा दे दे, बट सिर्फ ये मेंटालिटी ऐसी रहती है मुझे क्या मिल जाए। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि हमें भी कुछ करना चाहिए, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चेंज करना चाहिए। देश को नहीं, कम से कम अपने आप को तो चेंज करो। अपने आप को चेंज करोगे धीरे धीरे सब चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। कई सारी बुक्स में भी लिखा गया और ये चीज़ मैं पर्सनली बिलीव भी करता हूँ। सर जैसे आप अभी आपने स्टार्ट करा, आप 350 ज़्यादा आपके एम्प्लॉइज है, ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। मुझे पता है मैं थोड़ा, हम लोग 10-15 लोगों को हायर कर लेते दिमाग खराब हो जाता है। हायरिंग से रिलेटेड कुछ आपके एक्सपीरियंसेस है कि कुछ मतलब सजेशंस कि हायरिंग कैसे लोगों की करना चाहिए, ऐसे लोग अच्छे होते हैं, ऐसे लोगों पे मत करो, ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस है अच्छी और बुरी हायरिंग के ऊपर? नहीं, टीम से ही कुछ होता है और टीम हमेशा मोटिवेटेड होनी चाहिए। मैं बहुत अच्छा एम्प्लॉयर हूँ मैं शायद नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपकी टीम मोटिवेटेड है, टीम जो है वो आपको कहीं भी ले जा सकती है, बहुत ऊपर भी ले जा सकती है, बहुत नीचे भी ले जा सकती है। राइट, तो टीम का मोटिवेशन और टीम को जो है वो सही लोगों का सिलेक्शन और सही लोगों पे इन्वेस्टमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं बार बार कहता हूँ टीम वर्क ही आपको आगे बढ़ाता है और टीम तभी काम कर पाएगी जब वो मोटिवेटेड होगी। और मोटिवेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मिल के आता है, वो कभी सैलरी बहुत मोटिवेट नहीं कर सकती, बहुत जो है वो बड़ा उसका जो है वो डेजिग्नेशन उसको मोटिवेट नहीं कर सकता, आपकी छोटी बात बहुत मोटिवेट कर सकती है। तो ये मोटिवेशन लाना ही अच्छे लीडर का काम है और टीम्स को परफॉर्म करेंगी तभी आप आगे बढ़ोगे, ये आप मान लो, अकेले कुछ नहीं कर सकते। राइट, आपने बहुत सारी चीज़ें की है, आप लोग गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर आप लोग काम कर रहे हो, इस पूरे लाइफ की जर्नी में सबसे बड़ी कोई गलती आपसे हुई, कोई एक इंसिडेंट जिससे कोई एक सीख बच्चा लेके जा सकता है कि यार मैंने ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में गलत की थी और आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ है इंसिडेंट? नहीं, गलतियाँ तो बहुत होती हैं, एक गलती नहीं होती है, गलतियाँ आप जब काम करते हो तो हमेशा सही नहीं होता, पर उस गलती से आपको सीख के ठीक करना है। गलती छोटी बड़ी तो मैं कह ही नहीं सकता, मैं अपने आप को फेलियर मानते नहीं, हमेशा पॉजिटिव उसमें रहता हूँ कि मैं फेल नहीं हो सकता, तो ये तो मेरा, लेकिन मैं फेल हुआ और मैं उस फेलियर से मैंने सीखा, फिर आगे नई चीज़ की, फिर नई चीज़ में हो सकता है चार चीज़ों में तीन चीज़ें फिर फेल हुई, फिर उनमें से एक चीज़ सक्सेस हुई, और धीरे धीरे करके फेलियर से सीखते सीखते, हाँ फेलियर से सीखना और अपनी गलती मानना कि हाँ मैं यहाँ पर गलत था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता, जो ये कहता है मैंने परफेक्ट हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, तो गलती हम आप सब करते हैं, पर गलती जो सीखता नहीं है
वो सबसे बड़ी जो है वो उसको सबसे बड़ी वही गलती है अगर जिसने गलती से सीखा नहीं। फेलियर से ना हम सबको ना बचपन से एक डर बहुत लगता है, लेकिन ये तो मैंने जितने भी बड़े लोग जो भी आप जैसे आपने भी काफ़ी सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अचीव करी है, मैंने ये चीज़ नोटिस करा ना फेलियर को कैसे देखना है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेलियर से डरना नहीं है। जितना फेल होंगे मुझे लगता है जितना ज़्यादा फेल होते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। सर मैं कोई फाइनल मैसेज मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को जो भी यूथ है कोई एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो देना चाहोगे और उस पर हम एंड कर सकते हैं हमारा नोट कि ये चीज़ पर फोकस करिए और आप कुछ एक्शनेबल स्टेप्स जो भी वो लोग लेके जाए और ये चीज़ पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दे इस पॉडकास्ट को खत्म करने के बाद। भारत जो है वो 2047 में अपने 100 साल पूरे करेगा और आज से 25 साल के बाद हमको डेवलप्ड कंट्री बनना है, ये मोदी जी का जो है विजन है, हमारा सबका मिशन होना चाहिए। मोदी जी भी नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग हम में से नहीं रहेंगे, पर जो यूथ है उसके लिए ये अगले 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है वो आज भी दुनिया में अपने आप को जो है वो मतलब फ़क्र से नहीं कह सकते कि हम जो है वो सही में दुनिया में एक करेक्टर इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं जो हमारा था कभी कभी। हम जो है वो मतलब पूरी GDP का जो है वो 30% 35% होल्ड किया करते थे दुनिया जो है वो हमको सोने की चिड़िया कहती थी, जगत गुरु कहती थी। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है, अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं, तो हमको इसको एक मिशन की तरह लेना चाहिए। और मिशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आप जहाँ पे हैं जो कर रहे हैं उसको बड़े दिल से करिए। उसको जो है वो ये मत सोचिए सरकार आपको क्या देगी, आप क्या दोगे समाज को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले आप बनो कुछ और फिर जब आपका समय आए तो आप समाज को वापस करो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस पर डिपेंडेंसी हमेशा गवर्नमेंट पे नहीं रहनी चाहिए। हम 17 साल 18 साल पढ़ते हैं फिर जाके हम जॉब के लिए अपने आप को एलिजिबल पाते हैं फिर जॉब करते हैं फिर, लेकिन हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो हम 17 दिन में करना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है। आप सपना पालो कि अपना कुछ करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, पर जो आप पहले कर रहे हैं उसमें आप अपने को अच्छे से साबित करिए, फिर आप जॉब करिए या आप तुरंत एंटरप्रेन्योरशिप करिए, पर रिसर्च करने के बाद करिए। और ये एंटरप्रेन्योर ही दुनिया को बदलेंगे। अगर किसी डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन बताएं तो क्या होती है, बड़े से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोग वहाँ पर जो है वो पढ़े लिखे हों, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा हो, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी हो, उसका एक जो है वो पूरा ओवरऑल हर चीज़ जो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो हमारा डिफेंस हो, चाहे वो हमारा लॉजिस्टिक हो, चाहे वो हमारा रियल एस्टेट हो, चाहे वो हमारा मतलब पूरा नेटवर्क हो, पर ये करेगा कौन? सरकार तो केवल और केवल जो है वो लीगल अफेयर्स देखेगी और जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, बाकी सब कर तो एंटरप्रेन्योर्स ही रहे हैं। आज एयरपोर्ट बढ़िया बन रहे तो कौन बना रहा है? एक इंडिविजुअल ही बना रहा है या कोई कंपनी बना रही है। रोड अच्छी बन रही है तो क्या सरकार बना रही है? नहीं, आज कोई ना कोई जो है वो बड़ी कंपनी बना रही है जो BOT पे प्रोजेक्ट को ले रही है। अगर आज स्कूल हेल्थ सिस्टम है तो कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, कोई ना कोई इंडिविजुअल है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी उसी एंटरप्रेन्योर की है और उस जगह आपको जाना चाहिए, आपको खुद का कुछ करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। हम सब अगर दौड़ में लग जाएंगे नौकरी के तो हम सब बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएंगे, मेरे को जो स्विगी और जोमेटो के बैग लेके और लोगों के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं ना, वो मेरे को नहीं अच्छे लगते। मेरे को हम सर्विस इंडस्ट्री नहीं है, हम दोनों को हम बिकने के लिए नहीं आए हैं, हम जो है वो इस देश को चमकाने के लिए आए हैं। तो हम केवल और केवल एक जिसको कहते हैं ना कि एक कस्टमर बेस बन के, एक यूज़र बन के, हम दुनिया के लिए मार्केट बन के ना रह जाएं, हम अपना एस्टेब्लिशमेंट खुद खड़ा करें और दुनिया को दिखाएं कि जो है वो हम भी उसी अमेरिका, जापान और जर्मनी और फ्रांस के बराबर खड़े हैं, उनसे आगे खड़े हैं। ये होना चाहिए मिशन हमारा अगले 25 साल का। इट्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल सर। मैं मतलब आपकी कई बातों से मतलब काफ़ी इंस्पिरेशन मिल रहा है, काफ़ी अच्छी लगी बहुत बातें, क्योंकि मैं भी ये चीज़ कहीं ना कहीं दिल से चाहता हूँ ये सब चीज़ें हो, और आपका विजन देखिए मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी कनेक्ट भी कर पा रहा हूँ। अच्छा, मेरे लिए भी कुछ एडवाइस है तो एक छोटे मेरे लिए भी कुछ एक एडवाइस दे दो। मैं बुक समरीज करता हूँ यूट्यूब पे, हमारा भी ऑनलाइन वीडियो बुक्स हमारा स्टार्टअप है, तो आप एक मुझे क्या एडवाइस दोगे कि मैं किस चीज़ पर फोकस करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ? आपके इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो आप एक तो विजन लेके चले हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही एडवाइस करूँगा, हमेशा जो है वो समाज को देने का जब आप ठान लेंगे ना तो आपको कहीं से अपने आप मिलता रहेगा। आपको आपने ये सोचा ना कि बच्चों को हमको कुछ बनाना है, हमको उन्हें कैरियर बदलना है, इस सोच के साथ अगर आप अपना पॉडकास्ट चला रहे हैं ना तो आप देखिएगा ना, आपको कहीं दूसरी तरफ से मिलता ही रहेगा। अगर हम जो देने का सुख है ना, कि अगर आप दूसरे को जो कुछ भी कर पा रहे हैं, जो भी हमारे पास है, जो हमारी छोटी मोटी हैसियत है, नॉलेज है, एक
लेकिन उसे आप देखिए कि पता नहीं कहाँ से पूरी कायनात लग जाती है आपको देने के लिए। तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस एक मन जो है वो ये रहे कि हम कुछ समाज को दे पाए, ऐसा कंटेंट दें, ऐसा लोगों की हेल्प करें, तो आप आपके पास खुद ही आएगा। नहीं ये चीज़ मैंने भी ना सर, मैं जब स्टार्ट किया था ना, सच बोल रहा हूँ मैं ना, मुझे पता चल गया कि बुक्स है ना, किताबें बहुत पावर रखती है। अगर एक किताब मैंने अच्छे से पढ़ ली ना तो ये मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो पहले मैं सोचता था, मेरे अंदर ऐसे लालच आ गई कि यार मैं ही किताब पढ़ूंगा, मैं ही सीखूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मेरे दिमाग में ये सोचती। तो जब तक ये सोचती मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा, एक बुक में ही मैंने सीखा था गो गिवर्स करके, जैसे आपने बताया ना कि आप क्या दे सकते हो इसके बारे में सोचो, क्या मिलेगा वो मत सोचो। तो मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छा क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ लोगों को। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, यार मैं किताबें पढ़ सकता हूँ, लोगों को किताब पढ़ने का मन नहीं करता, बोर होता है, तो चलो मैं उनके बिहाफ में किताब पढ़ूंगा, किताब की अच्छी अच्छी बातें मैं शॉर्ट में करके उनको बता दूंगा। तो मेरे पास जो सबसे वैल्यूबल था मुझे लगता था, मैंने वो जब देना चालू किया ना, तो अपने आप लोग प्यार देना चालू कर दिया, अपने आप व्यूवर्स बढ़ते गए, अपने आप ना 10 तरीके में मालूम पड़ गया, अच्छा ऐसे भी पैसे आ सकते हैं, ऐसे भी, और वो अपने आप आने चला हो गया। तो ये चीज़ मैं एकदम लिख के दे सकता हूँ, आपने जो बोले एकदम सही है। जब हम देने वाला एटीट्यूड रखते हैं ना कि यार सब जो बेस्ट मेरे अंदर मैं देता हूँ, ऊपर पूरी कायनात लग जाती है, आपको कुछ ना कुछ देती रहती है और मिलता ही रहता है। मेरे को जब मैं ये कहता हूँ लोगों से, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, खासकर स्पेशली जो यंग जनरेशन है, कि अभी तो हमारे पास ही कुछ नहीं है, हम किसी को क्या देंगे। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप एक बार कोशिश करिए, एक सोशल ऑब्जेक्ट के लिए लग जाइए। और अगर आप बाहर जाओगे ना, कि आप मान लिया आपने कहा कि मेरे को सिर्फ जो है वो लोगों को एक एनजीओ बनाना है जो लोगों के लिए कपड़े इकट्ठा करे, और उन कपड़ों को हमको सिर्फ मतलब मंथ में एक दिन जैसा करना है, एक महीने कलेक्ट करने हैं और उसके बाद एक दिन बांट देने हैं, तो आप देखिएगा कि आपको कितनी स्किल्स आ जाएंगी उसी में। आपको लोगों से जो है एक नेटवर्क बनाने का स्किल आ जाएगा, एक वेबसाइट डेवलप करने का स्किल आ जाएगा, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उनकी परेशानियां सुनने का स्किल आ जाएगा, आप प्रोडक्ट मांगेंगे लोगों से, मान लिया आप कोई क्राउड फंडिंग करते हैं तो आपके पास लोगों से मार्केटिंग स्किल आ जाएगी, और शायद आप पूरे अपने पूरे कैरियर में जो है वो उसका मतलब जो साल भर है उसमें शायद 20 दिन लगा रहे होंगे, पर 20 दिन में आप उतनी नॉलेज गेन कर लोगे जो मैं आपको रिकॉर्डेड कहता हूँ कि आप किसी भी बुक से या किसी भी जो है वो कोर्स करके वो आप कभी स्किल नहीं पा सकते जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे पा सकते हैं। अगर ऐसी स्किल आपने छोटे पर से डेवलप करनी शुरू कर दी ना, कि और उसमें आपको सिर्फ आप देने वाले हैं, और आपको देखिए आप खुद खुश रहोगे, आपको ना केवल स्किल भी आपकी डेवलप होंगी, आपको सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत डेवलप होगा। तो कुछ करते रहना चाहिए, जहाँ पे भी आप कुछ हो ये मत सोचो क्या हम मेरे पास क्या है, आप देखोगे कि जब आप कुछ अच्छा करने निकलोगे तो लोग आपके साथ खुद ही जुड़ जाएंगे। आप एक बार कोशिश करके स्टार्ट करो, बस मेहनत करनी है, अच्छी नीयत से, साफ मन से मेहनत करके काम करना है और हर चीज़ें होगी। दिस अ वेरी पावरफुल मैसेज मेरे हिसाब से। ये चीज़ सबको एक लाइन तो हमेशा ये याद रखनी चाहिए सर की। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखने मिली है सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, कीमती समय देने के लिए। और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी मुझे भी इंस्पिरेशन मिला है। और भी कोई भी कुछ भी और लास्ट अगर आपका मैसेज है तो आप दे सकते हैं। नहीं, एक इकोसिस्टम हमने बनाया है जिसमें आप, हमारा चैनल है वो एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी है, जिसमें 2000 के आसपास जो है वो वीडियोस होंगे जो इंडस्ट्रियल हैं, जो इंडस्ट्री में के अंदर की इंसाइट देते हैं, आप जाके उनको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा जो है वो iid.org करके हमारा पोर्टल है, उस पोर्टल पर जाएंगे तो आपको जो है वो 1500 इंडस्ट्री करीब 28 सेक्टर्स के अंदर जो लिस्टेड हैं उनका पूरा एंड टू एंड मिलेगा आपको, उसकी डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, उसकी एक्सपर्ट टॉक मिलेगी, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी, उससे बेसिक गवर्नमेंट स्कीम उस सेक्टर या उस इंडस्ट्री के लिए क्या है वो मिलेगा, और सारे टाइप के रजिस्ट्रेशन मिलेंगे। आप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव जो है वो हमारा मोबाइल ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे बहुत सारा जो है वो आपको कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा एक हुनर इंडिया है, खासकर बच्चों के लिए है, यूथ के लिए है, वहाँ पे पूरी स्कूल का पूरा करिकुलम मिलेगा आपको, कॉलेज का पूरा करिकुलम जो है वो कोर्सेज मिलेंगे आपको, कम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें मिलेंगे, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। तो एक हुनर इंडिया, उसमें बेसिकली ज़्यादा हमने काम किया है इन्हीं स्किलिंग्स पे, आपको जो है वो बहुत सारे जो है वो मल्टी लैंग्वेजेस के कोर्सेज मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मिल जाएगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिल जाएगा, और स्टार्टअप आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। तो ये सारा प्लेटफॉर्म हमने इसलिए डेवलप किया है कि जो हमारा मिशन है कि स्किल एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, हम सबका सपना होना चाहिए खुद अपना करें, कुछ खुद का करें और इस देश को आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा।
थैंक यू सो मच सर। ये सारी जितनी भी सर ने बातें बताई उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके जरूर चेकआउट करो, सीखना स्टार्ट करो, एक्शन लेना स्टार्ट करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी बातें आपको सीखने मिल गई एक बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान से, सीखने के बाद अब एक्ट करने का मौका है। आप जाके जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्ट रखते हो जितनी भी लिंक्स है उसमें जाके चेकआउट करो, उससे सीखो और एक्शन लो, खुद भी आगे बढ़ो और देश को भी धीरे धीरे आगे लेके जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।